हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब्स इन्फो में। दोस्तों, स्टूडियो में हम बात करें गुजरात सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड GSSSB की, जिन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क के पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें जो पोस्ट है दोस्तों वो 2221 हैं। तो कैसे आवेदन को भरेंगे, क्या क्वालिफिकेशन, कितनी फीस आपको पे, जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो गुजरात सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जिसमें जो पोस्ट दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क की पोस्ट है, जिसमें टोटल जो वैकेंसी है 2221 पोस्ट है। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 12 नवंबर 2018 है दोस्तों। उसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। उसके बाद इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद पहले रिटन एग्जाम रहेगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। एज जो आपकी होनी चाहिए 18 से लेकर 33 साल की एज होनी चाहिए इस आवेदन को भरने के लिए। और एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा गवर्नमेंट्स के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। बात करते हैं इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, चलिए इनकी चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी GSSSB Gujarat.gov.in पर। तो आपको इस लिंक पे, इस वेबसाइट पे जाना है तो आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एंड न्यूज़ का जो ऑप्शन दिखा तो मोर पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडवर्टीजमेंट नंबर है इसका 150/2018-19 है, अंडर ऑफिस असिस्टेंट क्लास सेकंड की पोस्ट है। तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को दोस्तों अच्छी तरह से रीड करें और तभी अपना जो आवेदन है वो कर। इसके लिए यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या राष्ट्रीयता वगैरह सब इन्फॉर्मेशन यहाँ से लें। बात करते हैं अप्लाई करने के लिए, इनके ऑफिस पर चलते हैं दोस्तों OJAS.gujarat.gov.in पर। तो ये जो लिंक है दोनों के मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँ, जिससे कि आप आकर अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। इसमें अभी आप देख सकते हैं जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो JSSSB 2018-19-150 है, ऑफिस क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है क्लास थर्ड की, जिसमें डिपार्टमेंट जो नेम है सचिवालय डिपार्टमेंट एंड वेरियस हेल्थ डिपार्टमेंट में ये पोस्टें जारी की गई हैं, जिसमें आपकी सैलरी जो उसमें दी जाएगी 5200 से लेकर 20200, ग्रेड पे 1900 दिया जाएगा, फिक्स पे जो रहेगा 19950 पे 19900 से 63200 का, प्रोबेशन जो रहेगा 5 साल का, एज 18 से 33 साल, और डिस्क्रिप्शन जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे, और नहीं जो इनका अप्लाई करने का जो पेज है वो ओपन होगा, जिसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है आपने तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना जो आवेदन कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन में हम आपको क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ से थोड़ा सा नीचे चलेंगे और ये सब इंस्ट्रक्शन पढ़ के आपको आई एग्री पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने होगा, जिसमें आपको यहाँ पर अपना नाम, सरनेम, फर्स्ट नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम आपको डाल देना है। आपके बाद अपना जेंडर और सिलेक्ट जनरल आपको कौन सा जेंडर, और डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, ये सब आपको, परमानेंट एड्रेस और एड्रेस, और यहाँ नीचे क्वालिफिकेशन वगैरह सब इन्फॉर्मेशन आपको देनी है दोस्तों, और नीचे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करके और नीचे यस पे आपको क्लिक करके और सेव कर देना है। इसके बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास जनरेट होता है जो कि आपके मोबाइल पर आपको यहाँ ऑन स्पॉट भी आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा से लॉगिन कर लेना है, लॉगिन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल के अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं ऐसे करके। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जैसे एडमिट कार्ड जारी होंगे दोस्तों रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, उसके बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कैसे आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ इसका जो सिलेबस जारी होगा उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि न्यू वीडियो हम अपडेट करेंगे तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।